इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ओके, सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि पीएच का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे हम लास्ट टाइम पढ़ लिया है पीएच, ओके, कि पीएच क्या होता है, हमें पता लग गया कि पीएच की जो मिड जनरली वैल्यू होती है वो स्केल 0 टू लेके 14 वेरी करता है। एट 25 डिग्री सेल्सियस जो न्यूट्रल पीएच है उसको 7 माना जाता है, 7 से बिलो वाली पीएच को एसिडिक माना जाता है। जितनी ज्यादा बिलो होगी 7 से उतना ही ज्यादा एसिडिक, और 7 से अबव वाली पीएच को बेसिक माना जाता है, जितनी ज्यादा अबव होगी 7 से उतना ही ज्यादा बेसिक। ओके, तो ये हमने पीएच स्केल में पढ़ा था इन लास्ट टाइम। ओके, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है हम इसको पढ़ते हैं। जो हमारे स्टमक, अवर स्टमक प्रोड्यूसेस डाइल्यूट एचसीएल, हमारे स्टमक के अंदर भी एचसीएल होता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक के अंदर की जो पीएच है दैट इज अबाउट 1.4, वो हमारे स्टमक के अंदर जो पीएच होती है ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब हम स्टार्व कर रहे होते हैं, जब हमें भूख लगती है, तो वो 1.4 के अराउंड होती है। ठीक है, एंड दिस पीएच हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड, समटाइम्स एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन स्टमक। ये जो पीएच है 1.4 जो है ये हेल्प करती है हमारी फूड डाइजेशन में, बट कई बार क्या होता है एक्सेस ऑफ एसिड भी प्रोड्यूस होता है ड्यू टू सम रीजंस, जैसे ओवर ईटिंग कर ली, ओवर ईटिंग की वजह से क्या होता है हमारे पेट में एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं एसिडिटी। ओके, दिस एक्सेस एसिड लोअर्स द पीएच ऑफ द टू बिलो 1.4 एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन नोन एज एसिडिटी, उसको क्या बोलते हैं एसिडिटी। ठीक है, क्लियर। तो इट मीन्स अगर हमारे पेट की पीएच 1.4 ना हो, ठीक है, तो हमें खाना डाइजेस्ट होना बंद हो जाएगा। बट बात यह है कि 1.4 से ज्यादा लो चली जाए तो भी प्रॉब्लम है, तब हमारे पास हमें क्या हो जाता है, किससे जूझते हैं हम, किस डिजीज से उस टाइम हमें किस डिजीज का सामना करना पड़ता है, एसिडिटी का। ओके, एसिडिटी होने के कई कारण हो सकते हैं, वन ओवर ईटिंग इज वन ऑफ द मेजर रीजन। ओके, क्लियर। अब अगर आपको एसिडिटी हो गई है तो आपके लिए क्या रेमेडी काम आएगी, क्या आप कर सकते हो। ठीक है, रेमेडी और मेडिसिन में फर्क होता है। रेमेडी जो होती है, जैसे कई बार होम मेड रेमेडी होती है, ठीक है, रेमेडी का मतलब होता है कि कोई घरेलू नुस्खा, उसको रेमेडी बोलते हैं। ठीक है, तो रेमेडी आप क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज एडिबल वीक बेस, आप कोई एडिबल वीक बेस यूज कर सकते हो। एडिबल का मतलब होता है जो आप खा सकते हो। ठीक है, और इसको यूज करने का एडवांटेज क्या होगा, जो पीएच होगी वो 1.4 से अबव आ जाएगी। ओके, द पीएच विल बी ग्रेटर देन 1.4 इफ यू कंज्यूम दैट पर्टिकुलर एडिबल वीक बेसिस। ओके, तो उससे आपकी एसिडिटी क्योर हो जाएगी। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है वाटर में, उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो यूज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ओके, इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्लियर, इसको भी आप, इसका सोल्यूशन भी आप कंज्यूम कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट क्योर फ्रॉम एसिडिटी। ठीक, बट ये नहीं है कि आपने अपने पेट के एसिड को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर लेना, ना, थोड़ा सा यूज करना है इन दोनों को, सो दैट आपकी जो पीएच 1.4 से बिलो हो गई है वो 1.4 के नियर अबाउट आ जाए, सो दैट आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाए और आपको एसिडिटी भी ना हो। ओके, तो ये पीएच का इंपॉर्टेंस था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच 1.4 से बिलो होगा तभी हमें खाना डाइजेस्ट होगा, अदरवाइज नहीं। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ इज पीएच चेंजेस इन माउथ। हमारे माउथ में क्या क्या पीएच चेंज देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। जैसे हमने कभी देखा होगा कि खाना खाने के बाद हमारे जो माउथ का जो टेस्ट है वो ज्यादा कड़वा हो जाता है, कड़वा नहीं, ज्यादा खट्टा हो जाता है एज कम्पेरिजन टू खाना खाने से पहले। ठीक, उसका रीजन क्या होता है, खाना खाने के बाद हमारे माउथ में ज्यादा एसिड होता है एज कम्पेरिजन टू खाना खाने से पहले। ओके, चलो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। व्हेन वी ईट फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जब हम फूड ईट करते हैं तो प्रोडक्ट्स, जो फूड प्रोडक्ट्स हम खाते हैं, दे कंटेन शुगर, उनमें शुगर होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आर माउथ, ठीक है, उनमें शुगर जो होती है, उस शुगर को क्या करता है, जो हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, दे ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड्स, वो उस पर्टिकुलर शुगर को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है हमारे माउथ में ही।
उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या बनाते हैं, एसिड्स. ओके, एग्जांपल के लिए लैक्टिक एसिड. दस एसिड इज फॉर्म्ड इन माउथ विच ऑल्सो लोअर्स द पीएच. ओके, तो हमारे माउथ का जो पीएच है वो लोअर होना शुरू हो जाता है. क्लियर? जैसे मान लो अगर हमारे माउथ का पीएच नॉर्मल है, 7 के अराउंड है, नॉर्मल कंडीशनों में 7 के अराउंड ही होता है. ओके, तो वो क्या होता है, वो बिलो 7 आना शुरू हो जाता है. ठीक, क्लियर? और अगर मान लो बिलो होते होते जो पीएच है वो 5.5 से बिलो चला गया, इफ पीएच बिकम्स लोअर बिलो देन 5.5, देन क्या होगा, इससे लो वाली पीएच का जो हमारे माउथ में सॉल्यूशन होगा वो हमारे टूथ एनामल के साथ रिएक्ट करना शुरू कर जाएगा. क्योंकि जो हमारे टूथ एनामल होते हैं, जो टूथ एनामल्स होते हैं, जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एनामल. जो टूथ एनामल होती है ये बेसिक नेचर की होती है. क्लियर? तो ये अगर ये बेसिक नेचर की होती है, इट मींस अगर हमारे माउथ में एसिड स्ट्रॉन्ग बन जाए जिसका पीएच 5.5 से बिलो हो, वो उस बेसिक एनामल के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है. और उस रिएक्शन का रिजल्ट क्या निकलता है, हमारे जो टूथ की एनामल है वो करोड़ हो जाती है. ओके, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ एसिड इज फॉल, नॉट फॉल्स, यहाँ पे फॉल आना है, फॉल बिलो, इफ पीएच ऑफ एसिड फॉल बिलो 5.5, बिकॉज देन द एसिड बिकम्स स्ट्रॉन्ग इनफ. यहाँ पे इनफ के स्पेलिंग भी गलत लिखी, यहाँ इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ टू अटैक टूथ एनामल ऑफ अवर टीथ एंड करोड इट. उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो टूथ की एनामल है वो करोड होना शुरू हो जाएगी. क्लियर? तो उसके लिए रेमेडी क्या है, अब हम अपने टीथ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे टीथ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या तरीका है. बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज टू क्लीन द माउथ थॉरली आफ्टर ईटिंग फूड. हम क्या करें, हम आफ्टर ईटिंग फूड थॉरली अपने माउथ को क्लीन करें बाय रिंसिंग योर माउथ विद लॉट ऑफ वाटर. जैसे हम क्या करते हैं, पानी मुंह में लेके उसको बाहर फेंक देते हैं, उससे क्या होता है, जो हमारे माउथ में एक्सेस ऑफ एसिड बना होता है वो बाहर आ जाता है. ओके, क्लियर? और उसके बाद हम दूसरा मेथड क्या करते हैं, जिसे हम ब्रश वगैरह करते हैं, उससे क्या होता है, जो टूथपेस्ट होते हैं जो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द ब्रश, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रशिंग ऑफ अवर टीथ, तो मैनी ऑफ टूथपेस्ट कंटेन्स बेसिस. उनमें क्या होता है, बेस होते हैं, जितने भी टूथपेस्ट होते हैं उनमें मोस्टली बेस होता है, वीक बेस, जिससे क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर जो एक्सेस ऑफ एसिड बना है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. तो एक तरीका ये है, बट खाने के बाद फिर भी हमें अपना माउथ रिंस करता रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत अगर एसिड बना हो वो साथ साथ में निकल जाए, सो दैट हमारे जो माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से बिलो ना आए. वो नॉर्मली 6-7 की रेंज में होता है, बिलो टू 5.5 नहीं आना चाहिए. क्योंकि जब बिलो टू 5.5 आ गया, एट दैट टाइम क्या होगा, एट दैट टाइम आपके जो टीथ के एनामल होंगे उनके लिए उस एसिड को के साथ बेयर करना, उस एसिड को बेयर करना मुश्किल हो जाएगा, और वो एसिड जो है वो आपके टूथ के एनामल के साथ एक्ट करना शुरू कर देगा. तो ये आपके पास रेमेडी है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दी टूथ डिके. या एक तो आप अपना माउथ वॉश करो, अपना माउथ रिंस करते रहो, जब भी आप कोई चीज खाओ उसके बाद अपना माउथ रिंस करो. दूसरा, जब आप सुबह उठ के सुबह और शाम दो टाइम टूथपेस्ट से ब्रश करो, उससे क्या होता है, जो बेस होते हैं टूथपेस्ट में वो एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं हमारे माउथ के. ओके, नाउ द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ पीएच इज इन आवर डेली लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स सेंसिटिव टू पीएच चेंज. प्लांट्स और एनिमल बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंज के लिए. कैसे? फॉर एग्जांपल, प्लांट्स के लिए सबसे पहले बढ़ते हैं, एनिमल्स का बाद में बढ़ते हैं, पहले प्लांट्स का. ओके, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट When pH of soil is close to 7. Most of the plants ऐसे हैं जिनको soil की pH 7 चाहिए होती है. 7 से below या 7 से above. जैसे मान लो 10 हो soil की pH, 11 हो, तो क्या होगा, उस soil में plant grow नहीं कर पाएंगे. Okay? Similarly, अगर plant की pH जो है 1-2 के around है, फिर उस soil में भी, sorry, soil की जो pH है वो 1-2 के बीच में है, तो भी उस सॉइल में आपके प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे. क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं जो पीएच क्लोज टू 7 में ही ग्रो करते हैं. इफ सॉइल इज टू एसिडिक और बेसिक, प्लांट्स ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल. तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेंगे या बहुत बैडली ग्रो करेंगे. ओके, तो पीएच ऑफ सॉइल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स.
जो कि ज्यादातर मोस्टली एसिडिक होते हैं, जो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं वो मोस्टली एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपकी जो पीएच, सॉइल की पीएच है वो बिलो 7 चली जाती है। तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, क्या रेमेडी है सॉइल की जो पीएच है उसको ट्रीट करने के लिए, क्या है, ठीक। जैसे एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल इंजीनियर भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपकी सॉइल को टेस्ट करेंगे, उसका पीएच निकाल के बता देंगे कि आपकी सॉइल ज्यादा एसिडिक हो चुकी है कि ज्यादा बेसिक हो चुकी है। तो जो भी आपने फसल फिर ग्रो करनी होगी, ठीक है, उस फसल के अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करेंगे कि इसमें आप कौन सा फर्टिलाइजर डालो, सो दैट इसकी जो पीएच है वो उस पर्टिकुलर फसल के अकॉर्डिंग हो जाए जो आपने हार्वेस्ट करनी है, ठीक है। तो रेमेडी क्या है, मोस्ट ऑफन सॉयल इन द फील्ड इज टू एसिडिक। ज्यादातर क्या होता है, जो सॉयल होती है वो दैट बिकम टू एसिडिक, ज्यादातर एसिडिक होती है, बेसिक बहुत कम होती है, एसिडिक बहुत जल्दी हो जाती है सॉयल, क्योंकि एसिड रेन भी होती है, यू नो दैट, जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेज हैं जब ये वाटर के साथ मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, एसिड्स। और वही एसिड रेन वाटर के साथ मिलके नीचे आता है और वही सॉयल में चला जाता है, और सॉयल जो होती है वो ज्यादातर एसिडिक होती है, ठीक है। तो जब भी सॉयल एसिडिक हो जाए, ठीक, इन सच केसेस इट इज ट्रीटेड विद मटीरियल लाइक क्विक लाइम। तो उसको किसकी ट्रीटमेंट चाहिए, उसको बेस की ट्रीटमेंट चाहिए ना, जब वो एसिडिक हो गई है, तो उस टाइम आपको क्या, कौन सा मटेरियल यूज करना पड़ेगा, क्विक लाइम यूज कर सकते हो या कोई और बेस यूज कर सकते हो जो सॉयल के लिए फेवरेबल हो, ओके। बट कभी कभार हमारी सॉयल जो है वो बेसिक भी चली जाती है, वो बेसिक भी हो जाती है। इफ बेसिक हो जाए आपकी सॉयल, देन यू हैव टू यूज मैनोर्स और काउडंग, काउडंग या मैनोर्स का यूज कर सकती हैं। जैसे काउडंग का तो ये नेचुरल फर्टिलाइजर है, एसिडिक होता है, ठीक है। अगर आपकी सॉइल बेसिक हो चुकी है तो काउडंग जो कि एसिडिक होता है उसको ऐड करने पे क्या होगा, आपकी जो सॉइल है वो दोबारा से अपना पीएच नियर टू 7 ले आएगी, क्योंकि एक्सेस ऑफ बेस जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इज एडेड टू रिड्यूस द एल्कलिनिटी, ओके, दैट इज डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट इन द काउडंग और कंपोस्ट, यू कैन से कंपोस्ट और मैनोर विच हैज एसिडिक मटेरियल, जो वो एसिडिक मटेरियल होते हैं तो वो एक्सेस ऑफ बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है कि पीएच एनिमल्स में कैसे, एनिमल्स को कैसे इफेक्ट कर सकती है। पीएच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, एनिमल की सर्वाइवल के लिए पीएच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग works well within a narrow pH range of 7 to 7.8. हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनकी जो pH है वो 7 to 7.8 ही रहनी चाहिए, इससे अबव या बिलो हुई तो काम खत्म है जी हमारा, फिर सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, ओके। इसलिए जो ह्यूमन बॉडी है वो सिर्फ इस pH रेंज में ही काम करती है। अगर कोई बंदा एसिड पी ले, ठीक है, तो उससे भी उसका हम नुकसान है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस पी ले उसका भी उसको नुकसान है, क्योंकि 7 to 7.8 रेंज वाली पीएच की जो चीजें हैं हम वही डाइजेस्ट कर सकते हैं, या उसको उन्हीं को हम उन्हीं के लिए, उन्हीं के अगेंस्ट हम सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी का पीएच 7 to 7.8 ही होता है, ठीक है। इफ ड्यू टू सम रीजन दिस रेंज गेट्स डिस्टर्ब्ड, देन मेनी एलिमेंट्स कैन अकर। अगर हमारी बॉडी में इस पीएच से अबव या बिलो जाती है पीएच, तो हमारी बॉडी में कई सारी एलिमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इवन हमारे ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 के अराउंड होता है, अगर ये भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला जाए तो हमारे ब्लड में कई सारी एलिमेंट, हमारे उस ब्लड की वजह से कई सारी एलिमेंट हमें लग जाएंगी, ओके। हमारे पेट में अगर एक्सेस ऑफ एसिड हो जाए, पेट में जो पीएच है वो 1.5 से लेकर 2.5 तक होता है, क्योंकि पेट में तो खाना नहीं डाइजेस्ट होना होता ना, तो वहां पे थोड़ा एसिडिक ज्यादा चाहिए। बट इस रेंज से बिलो या अबव जाने पे हमारे पेट में अल्सर हो जाते हैं, ओके। Similarly, many aquatic animals can survive in lake, river, water with a narrow range of pH change. ठीक है? जैसे fishes हैं, आप lakes में आपने fishes मान लो रखी हुई हैं। अगर आप उस lake में excess of acid डाल दोगे, वो fishes मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन fishes के लिए survival का जो pH है, आपने उस pH से बहुत below कर दिया। इसलिए acidic water में कभी भी fishes जो होती हैं, वो survive नहीं कर पाती। They need normal fresh water in order to survive. जैसे कुछ फिशेज होती हैं,
वो फिशेस क्या करती हैं, ठीक है, वो आपकी सी वाटर में नहीं आपको मिलेंगी, जैसे शार्क वगैरह है वो तो सी वाटर में मिलती है, जो वैसे जो छोटी फिशेज होती हैं वो आपको कभी सी वाटर में नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी उस पीएच के लिए नहीं बनी जो सी वाटर का होता है, और जो शार्क्स वगैरह हैं वो आपको कभी फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगी, क्योंकि शार्क की बॉडी उस पीएच के लिए नहीं बनी जो नॉर्मल वाटर का होता है, जो फ्रेश वाटर का होता है, इसलिए पीएच कौन सा, किस एनिमल को कौन सा पीएच सूट करेगा वो डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी किस पीएच के लिए बनी है, ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये आपके पास हमने पढ़ लिया पीएच इन केस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ओके, और लास्ट हमारे पास है पीएच का रोल इन सेल्फ डिफेंस बाय यूजिंग पीएच बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स जो पीएच वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज करते हैं, कैसे, जैसे इसमें कुछ केसेस पढ़ते हैं। केस वन, हनी बी का, हनी बी यू नो दैट मधुमक्खी हिंदी में बोलते हैं इसको, हनी बी स्टिंग्स, इट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड, अगर किसी बंदे को कोई हनी बी काट ले तो उसके अंदर वो एसिडिक लिक्विड को इंजेक्ट कर देती है इनटू इट्स स्किन, क्लियर, उससे क्या होता है, उससे उसके स्किन के ऊपर, क्योंकि उस वाले रीजन में जो पीएच है वो 7 से 7.8 के बीच में नहीं रहा, वो डिस्टर्ब हो गया क्योंकि उसने एक्सेस ऑफ एसिड इंजेक्ट किया हनी बी ने उस पर्टिकुलर एरिया पे, उस पर्टिकुलर एरिया पे इमेंस पेन होती है और इरिटेशन होती है, खारिश वगैरह होने शुरू हो जाती है। इसकी रेमेडी क्या हो सकती है, अगर किसी बंदे को हनी बी ने काटा है, रेमेडी हो सकती है कि वहां पे को थोड़ा सा माइल्ड बेस लगा दो, एडिबल ही हो, ह्यूमन बॉडी के ऊपर सूट करता हो, ऐसा बेस लगा दो, उससे क्या होगा, वहां पे जो उसने एसिड इंजेक्ट किया है, एसिड इंजेक्ट जो किया है हनी बी ने, वो एसिड इंजेक्ट जो हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ माइल्ड बेस, ओके, लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया, ओके, बेकिंग सोडा लगा सकते हो, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो, ओके, यू कैन यूज एनी माइल्ड बेस विच कैन बी एप्लीकेबल ऑन द ह्यूमन बॉडी, ओके। नाउ केस टू, केस टू क्या है, वास्प, वास्प किसको बोलते हैं, पूंडी, पंजाबी में पंजाब देख रहे हैं वो येलो कलर की जो होती है उसकी बात कर रहा हूँ, वास्प उसको बोलते हैं, ठीक है, जब एक वास्प काटती है, वास्प स्टंग, इट इंजेक्ट्स एन अल्कलाइन सोल्यूशन इन टू द स्किन, जो वास्प है वो हमारी बॉडी के अंदर अगर हमें काट ले तो वो अल्कलाइन सोल्यूशन को इंजेक्ट करती है, अल्कलाइन मतलब बेसिक, वाटर सोलेबल बेसिस को बोलते हैं ना अल्कलाइन, तो वो बेस को इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी में तब जो इरिटेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, वो बेस की वजह से होती है, ठीक है, अगर हमें किसी वास्प ने काटा है, पूंडी ने काटा है, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम उसकी रेमेडी क्या है, हमें अब हमारी बॉडी के अंदर उसने क्या इंजेक्ट किया, बेस, तो हमें क्या रब करना पड़ेगा, माइल्ड एसिड जो हम बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सके, माइल्ड एसिड जैसे विनेगर हो गया या सिट्रिक एसिड हो गया, नींबू सिट्रिक एसिड में, नींबू में होगा ना, तो सिट्रिक एसिड आप रगड़ सकते हो, विनेगर रगड़ सकते हो उस पर्टिकुलर स्टंग के ऊपर जहां पे उसने काटा हुआ है, ओके, तो केस टू में वास्प, तो इसलिए जब भी आपको अगर मान लो मधुमक्खी ने काटा है कि वास्प ने काटा है, उसके डिपेंडिंग अपॉन आपने ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि अगर मधुमक्खी ने काटा है तो इट मींस उसने एसिड इंजेक्ट किया है आपकी बॉडी में, उस टाइम आपको बेस को रब करना है उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, और अगर आपको वास्प ने काटा है तो उस टाइम क्या होगा, आपको यू नीड अल्कलाइन सॉल्यूशन टू रब ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, सॉरी नॉट अल्कलाइन, क्योंकि अल्कलाइन तो उसने इंजेक्ट किया है, आपको उस टाइम एसिड इंजेक्ट करना पड़ेगा, ओके। अब केस थ्री भी है, व्हेन एन आंट स्टिंग, आंट मतलब जब मान लो आपको चींटी ने काटा, चींटी तब भी कितनी इरिटेशन होती है उस एरिया पे अगर आपको कोई चींटी काट ले, क्यों, क्योंकि जब आंट स्टिंग करती है उस टाइम वो हमारी बॉडी के अंदर मेथनोइक एसिड को इंजेक्ट करती है, ठीक है, मेथनोइक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज द फॉर्मिक एसिड, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ओके, तब हमारी बॉडी में वो मेथनोइक एसिड को इंजेक्ट कर देती है, जिससे क्या होता है वहां पे उस पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, तो उस टाइम रेमेडी क्या लगने होगी, एसिड है ये, एसिड के लिए रेमेडी क्या होगी, माइल्ड बेस, ओके, मेथनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, देखो मेथनोइक एसिड आल्सो कॉल्ड फॉर्मिक एसिड एंड उसका फॉर्मूला क्या होगा, HCOOH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेथनोइक एसिड, ओके, क्लियर। तो ये थे आपके पास, ये हमने पढ़ लिए पीएच, importance of pH in our everyday life, जैसे हमने pH in digestive system पढ़ लिया, pH change in mouth पढ़ लिया,
ठीक है, पीएच इन दी प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइवल पढ़ लिया, उसके बाद सेल्फ डिफेंस में भी यूज करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लियर, वहां भी पढ़ लिया, क्लियर। जैसे कांटे होते हैं, कोई कांटे भी होते हैं, अगर वो हमें चुभ जाए तो उसमें भी क्या होता है, उस कांटों में एक सोल्यूशन होता है, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, एसिड या बेस में से कुछ होगा, ठीक है, अभी मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, क्लियर। उस टाइम क्या होगा, उस टाइम भी अगर आपको कांटे, किस कांटे को, कौन सा कांटा आपकी बॉडी के ऊपर लगा है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये जानना जरूरी है कि कौन सा कांटा लगा है, ओके। अदरवाइज अगर आप वैसे ही मान लो आपको वास्प ने काटा है, ठीक है, आपको याद भूल गया कि यार अल्कलाइन सोल्यूशन था कि एसिडिक था, आपको लगा कि नहीं एसिडिक था, और ऊपर से आपने उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और बेस लगाना शुरू कर दिया, उसने पहले बेस इंजेक्ट किया हुआ है, ऊपर से आप और बेस लगा रहे हो, तो इरिटेशन बढ़ जाएगी। तो इसलिए जब जब भी फर्स्ट एड देनी है, उससे पहले आपने ये देखना है कि वास्प है कि हनी भी है, अपनी मर्जी से नहीं कहता कोई भी देसी इलाज दे दिया, ये कर दो जी, खुद को याद ही नहीं है कि वास्प के लिए हम एसिड यूज करते हैं और हनी बी के लिए बेस यूज करते हैं, तो ये याद रखना होता है कि वो कौन सा सोल्यूशन इंजेक्ट करती हैं हमारे बॉडी के अंदर। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन आंसर्स ऑन बेसिस ऑफ पीएच टॉपिक के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ मिल्कमैन एड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। जितने भी दूध वाले होते हैं वो थोड़ा बहुत बेकिंग सोडा अपने फ्रेश मिल्क में ऐड करते हैं, क्यों? बेकिंग सोडा क्या है? बेस, ठीक है, वो क्यों ऐड करते हैं? व्हाई डज ही शिफ्टेड पीएच ऑफ मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कालाइन। वैसे जो प्योर मिल्क होता है उसकी पीएच 6 के अराउंड होती है, बेकिंग सोडा ऐड करने पे उसकी जो पीएच है वो 6 से अबव चली जाएगी, इवन 7 से भी अबव चली जाएगी, थोड़ी सी अल्कालाइन हो जाएगी, और ऐसा उसने क्यों किया? व्हाई ही डिड दिट डिड इट ओके ताकि क्लियर। लैक्टिक एसिड कम हो जाए, वो कर्ड ना बने ओके गुड सर, ताकि प्रिजर्व एग्जैक्टली, हो जाए। ताकि वो प्रिजर्व हो जाए और ज्यादा देर तक टिक। क्लियर, चलो हम पहले पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन वो फर्स्ट, सेकंड, व्हाई डज दिस मिल्क टेक्स लेस टाइम टू सेट एज अ कर्ड, नॉट लेस, इट विल बी मोर, यहाँ पे मोर आना है, मोर टाइम टू सेट एज अ कर्ड, और ये जो दूध है उसको कर्ड बनने में, दही बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर, इसके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि उसने क्यों किया अल्कलाइन, क्योंकि मिल्क विल टेक मोर टाइम टू बिकम सोर, उससे क्या होगा, मिल्क खराब, सोर का मतलब खराब हो जाता था ना जब मिल्क खट्टा हो जाता है, क्लियर, तो मिल्क सोर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा अगर वो अल्कालाइन हुआ। अगर आप प्योर मिल्क के साथ उसका कंपैरिजन करोगे, ठीक है, एक साइड आपने प्योर मिल्क लिया, ओके, और एक साइड आपने ऐसा मिल्क लिया जिसमें आपने अल्कालाइन सॉल्यूशन डाला है, अल्कालाइन प्लस मिल्क डाला है, क्लियर, तो ये जो अल्कालाइन सॉल्यूशन वाला है मिल्क, ये ज्यादा देर तक टिकेगा, ये ज्यादा देर खराब नहीं होगा एज कंपेरिजन टू प्योर मिल्क, ओके। दूसरी बात, वो ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है कर्ड बनने में, क्योंकि मिल्क से कर्ड कैसे बनता है, जब आपके पास कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, मिल्क में भी लैक्टिक एसिड होता है बट बहुत कम होता है, ठीक, बट मिल्क में एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक, और अगर ये बैक्टीरिया एक्सेस में एक्टिवेट हो जाए तो वो क्या करता है, वो मिल्क में बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देता है, और जो लैक्टिक एसिड बनेगा, ज्यादा लैक्टिक एसिड बनने का मतलब कर्ड बनना, तब वो मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। बट अगर आपने मिल्क में थोड़ा सा अल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड किया हुआ है, उससे क्या होगा, जैसे ही मिल्क में लैक्टिक एसिड थोड़ा एक्सेस में बनेगा, वो लैक्टिक एसिड जो है ये एसिड है, अल्कलाइन सॉल्यूशन जो आपने डाला वो बेस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएंगे, तो शुरू शुरू में क्या होगा, जितना भी आपका लैक्टिक एसिड बनेगा वो अल्कलाइन से न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होता है आपका जो मिल्क है दैट विल टेक मोर टाइम टू सेट एज अ कर्ड, क्योंकि कर्ड बनने के लिए उसके अंदर एक्सेस में लैक्टिक एसिड आना जरूरी है, और जब तक वो अल्कलाइन सॉल्यूशन रहेगा तब तक वो उस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता रहेगा, जब ये अल्कलाइन सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा देन लैक्टिक एसिड स्टार्ट फॉर्मिंग, देन यू विल गेट योर कर्ड, बिकॉज इट्स पीएच इज अबव 7 द लैक्टिक एसिड बीइंग फॉर्मड हैज टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज द अल्कली इन द मिल्क, सो इट दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड, इसलिए ये मिल्क जो है वो ज्यादा टाइम ले रहा है कर्ड में सेट होने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट वुड फॉर्म ऑक्साइड विच वुड इंडिकेट वैल्यूज लेस देन 7,
यूजिंग मॉइस्ट पीएच पेपर, मतलब ऐसे कौन से आपके पास एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्साइड जो हैं, जिनका पीएच जो है वो लेस देन 7 आता है, मतलब एसिडिक ऑक्साइड किन किन के होते हैं, मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होता है वो MgO होता है, कार्बन का ऑक्साइड क्या होता है CO2, सल्फर का SO2, हाइड्रोजन का H2O, कॉपर का CuOH। हमने एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं उनका रिएक्शन देखना होता है वाटर के साथ, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, H2O वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, और कॉपर ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है और कौन कौन सा बेसिक है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस है, और बेस जो होगा वो पीएच 7 से अबव करेगा, ना कि बिलो। तो ये तो नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर में, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ऐसा नहीं है जो पीएच बिलो 7 करे। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड, जो कि एसिड है, ये पीएच को बिलो 7 कर देगा। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, सल्फरस एसिड, ये एसिडिक है, तो ये पीएच को लेस देन 7 कर देगा। ओके, यहाँ पे लेस देन सेवन, यहाँ पे ग्रेटर देन 7 है पीएच। ओके, H2O ये तो होता ही न्यूट्रल है, पीएच इक्वल टू 7 होगी इसमें, क्लियर। तो मैग्नीशियम नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं है, और कॉपर की अगर बात करें, कॉपर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक होता है, जिसमें पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, ना कि बिलो, तो कॉपर भी नहीं है। सिर्फ दो ऐसे आपके पास एलिमेंट हैं जिनके ऑक्साइड जो होते हैं दे विल शो पीएच बिलो 7, क्योंकि उनके ऑक्साइड जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, और वो कौन कौन है, कार्बन एंड सल्फर। यही दोनों रीजन होते हैं एसिड रेन का, क्योंकि इनकी वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और उनकी वजह से ही एसिड रेन होता है, रेन वाटर में एसिड आता है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, पोटैटोज ग्रो वेल ऑन फार्म विच हैव सॉइल विद पीएच 5.5। जो पोटैटोज होते हैं उनको सॉइल की जो पीएच होती है वो 5.5 चाहिए, तभी जहां जिस खेत में आलू उगाने हो वहां पे काउडंग वगैरह ज्यादा गिराया जाता है, ज्यादा काउडंग उसमें डाला जाता है। क्यों? क्योंकि काउडंग जो होता है वो एसिडिक बना देता है उस खेत की सॉइल को। ओके, विद पीएच 5.5 रवि नीड्स टू एड अ लॉट ऑफ लाइम टू सॉइल सो दैट ही कैन ग्रो ब्रोकली इन सेम फार्म। ओके, अगर मान ले रवि ने पहले अपने फार्म में पोटैटोस उगाए, ग्रो किए, ठीक है, तब उसको पीएच 5.5 करनी पड़ी अपनी सॉइल की, इसलिए उसने कॉडंग भर भर के डाला अपनी उस सॉइल में, ठीक है। बट अब मान लो उसका माइंड चेंज हो गया, उसने बोला ब्रोकली की खेती करते हैं, ब्रोकली की खेती में ज्यादा पैसे हैं, ठीक, जो ब्रोकली है, बट ब्रोकली के लिए पीएच 5.5 नहीं चाहिए, ब्रोकली के लिए पीएच 5.5 से अबव चाहिए, न्यूट्रल के अराउंड चाहिए, तो अब वो क्या करे, क्लियर। अब ये देख रहे हैं हम, डू पोटैटोस ग्रो बेटर इन द एसिडिक और अल्कलाइन सॉइल, वो तो हमें पता लग ही गया कि पीएच अगर 5.5 चाहिए पोटैटोस को, इट मींस दे ग्रो बेटर इन द एसिडिक सॉइल। ओके, सेकंड, डज ब्रोकली ग्रो इन एसिडिक और अल्कलाइन सॉइल, ब्रोकली ग्रो इन द अल्कलाइन सॉइल, तभी तो उसने बोला कि उसको लाइम ऐड करना पड़ा ब्रोकली को उगाने के लिए। अगर उसने सेम फार्म में ब्रोकली को उगाना है तो ही नीड टू पुट लाइम इन द सॉइल, क्योंकि जो ब्रोकली है इट डिमांड्स बेसिक सॉइल, क्लियर। तो इसलिए वो न्यूट्रल करने के लिए तो डाला हो सकता है उसने, तो ये भी तो हो सकता है, अगर न्यूट्रल होने के बाद एक्सेस में और लाइम डालता जाए तो उससे बेसिक नहीं हो जाएगा, ब्रोकली के लिए वैसे बेसिक चाहिए होती है, याद कर लो थोड़ा सा, ब्रोकली नीड्स बेसिक, ज्यादा बेसिक भी नहीं, थोड़ी सी बेसिक। ओके, गॉट इट। तो ये आपके पास पीएच एप्लीकेशन के बेस के क्वेश्चन हो गए। सो टुडे वी हैड डन एप्लीकेशन ऑफ पीएच, एंड उसके बेसिस पे हमने कुछ